हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। बच्चों साथ ही कहानी चालीसा को आप प्रमोट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसमें आपको इंटरेस्टिंग कहानियां इस चैनल पर मिलेंगी। नाउ आज का टॉपिक है हमारा जेनिक वर्कशीट G9, वर्कशीट नंबर 9 है, 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है। टॉपिक डिजीज स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज। हमारा टॉपिक है कि डिजीज मतलब बीमारियां, मॉस्किटो मच्छर की वजह से कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं। देखिए ड्यूरिंग मानसून कई बीमारियां होती है मानसून के टाइम पे, मानसून यानी जब बारिश आती है, इस टाइम पे जब ये बारिश का महीना है जुलाई का, तो मानसून के टाइम पे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये बीमारियां हम आमतौर पर सुनते हैं और ये आती भी है। और ये बीमारियां किसके कारण फैलती है? मॉस्किटोज के कारण। मॉस्किटोज ले एग एग्स इन और नियर द स्टैंडिंग वाटर, मतलब जो वाटर स्टैंडिंग होता है, फ्लो नहीं करता, कहीं पे कहीं कहीं दिखता है गड्ढों में नालों में जो बहता नहीं है, वहां पे मॉस्किटो अंडे देते हैं और वो अंडे फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और अन्य मॉस्किटोज बन जाते हैं। ऐसे मॉस्किटो की संख्या बढ़ती जाती है। देर आर सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कुछ तरीके हैं हम मच्छरों से अपने आप को बचा सकते हैं रेनी सीजन में। एक तो अपने आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए, यूज मॉस्किटो रिपेलेंट यानी ऐसी चीज यूज करो जिससे मॉस्किटो भाग जाए। फुल स्लीव्स के पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। स्टैंडिंग वाटर ना, कहीं भी पानी ना देखें आप, इकट्ठा ना हो, चाहे वो टायर है, बाल्टी है, बैरल है, कहीं भी, ताकि वहां पे मॉस्किटोज अंडे ना दे पाए। फिलिंग इन पिट्स, अगर गड्ढे हैं तो उनको भरना चाहिए जिस भी जगह पे है, ताकि वहां पानी इकट्ठा ना हो पाए। देखिए मलेरिया एक डिजीज है, बीमारी है, स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होती है, और डेंगू भी एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, दोनों ही फीमेल मॉस्किटोज हैं। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हमने पढ़ा कि मॉस्किटोज से कौन कौन सी बीमारियां होती है और हमें कैसे बचना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटो, रेनी सीजन में मॉस्किटो की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो यहां पर उनके हम नाम लिखेंगे। तो हमने पहला पढ़ा था डेंगू, फिर मलेरिया और चिकनगुनिया, यही पढ़ा था ना हमने। तो हम यहां लिखेंगे चिकनगुनिया, क्लियर हो गया। नाउ ऑल्सो ड्रॉ सम पिक्चर हाउ वी कैन टेक प्रिकॉशन नॉट स्प्रेड डिजीज। आपको पिक्चर बनाना है यहाँ पे, जैसे कि गड्ढों को भरना चाहिए तो गड्ढों वाली पिक्चर बना देना यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपके प्रिकॉशंस आए थे ना, सराउंडिंग को क्लीन रखना है, या फुल स्लीव्स को फुल स्लीव वाला एक बच्चा बना देना, ठीक है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, तो इस तरह से आप बना देना पिक्चर, ड्राइंग अच्छे से बनाना। इसके अलावा देखिए जो भी यहाँ लिखा हुआ है, पिट्स को बढ़ना भरना है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होता है, जैसे मच्छर मारने वाले जो कॉयल वगैरह होते हैं वो आप बना सकते हैं उसकी फोटो, और तो यहाँ पे आपको फोटो बनानी, जो मॉस्किटो इस तरह का ही तो होता है ना, तो आप ये बना सकते हैं। और एक यहाँ बना लीजिएगा अपने आसपास के एरिया को साफ रखें, जैसे कि बाल्टी में अगर पानी है तो उसको पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, गड्ढे में पानी तो ये भी इकट्ठा ना हो, तो ये चीजें यूज करनी है। क्वेश्चन 2, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनोफिलीज के द्वारा होता है, हमने यही पढ़ा था ना अभी ऊपर, हमने पढ़ा था देखिए, तो मलेरिया डेंगू लिखा हुआ है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है और डेंगू होता है एडीज मॉस्किटो के द्वारा, तो ये ठीक है क्योंकि आप फीमेल भी लिखा हुआ है, तो ट्रू है आंसर। क्वेश्चन थ्री क्या कहता है, हाउ डज क्लीनिंग टैंक कूलर पिट्स प्रिवेंट मलेरिया। जब हम कूलर को, टैंक को, पिट्स को अगर हम साफ रखेंगे तो मलेरिया से कैसे बचेंगे बताइए। हमने पढ़ा था कि अगर ये सब हम करेंगे तो
जो मॉस्किटो है वो अपने एग्स नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मॉस्किटोज कैन नॉट ले एग्स व्हेन वी क्लीन टैंक कूलर एंड पिट्स। ठीक है, तो इससे मलेरिया से बच जाएंगे। तो आज की वर्कशीट पूरी होती है बच्चों। और बताइए कोई एक मेजर मलेरिया डिजीज से बचने की, मॉस्किटो से जो बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, उनसे बचने का एक उपाय आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो सभी जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं सभी आपको अवेलेबल होंगी और सबकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।